आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली द्वारा एक समारोह का आयोजन चिन्मयानंद मिशन सभागार में किया गया, जिसमें जसबीर सिंह बारू साहिब, सुखदेव सिंह ढींडसा, केसी सिंह, प्रख्यात वकील केटीएस तुलसी इत्यादि ने संबोधन किया। समारोह में सिख जगत की नामचीन हस्तियों, बुद्धिजीवी, उद्योगपति, राजनीतिक हस्तियों ने एक मंच से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पूर्व को चिन्हित करते हुए स्मारक सिक्के का अनावरण किया। सिक्के को नवे गुरु तेग बहादुर जी और शीशगंज साहिब जी की फोटो से अंकित किया हुआ है। प्रख्यात उद्योगपति डॉक्टर राजेंद्र सिंह चड्डा ने सिक्के का अनावरण किया। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली पार्टी के प्रधान परमजीत सिंह सरना ने सभागार में बैठे संगतों को संबोधित करते हुए सिख संस्थाओं को फिर से खड़ा करने पर जोर दिया। सदी के शुरू सिखों ने अपने बच्चों स्कूल कॉलेज आज 100 साल तो उपर का समा हो गया, खालसा कॉलेज बनिया और हिंदुस्तान के बेहतरीन कॉलेजों में आज कितने कॉलेज है गए। दिल्ली में असी 12 कॉलेज इंस्टीट्यूशन चलाते पे हाँ, स्कूल चलाते पे हाँ, कितों किन्ने चलाए। सरदार सरना ने दिल्ली के सिख समुदाय को आगाह किया कि वे बादल की चालों से बचें। सोशल मीडिया पर थिएटर करने वाले उनके एजेंट आने वाले DSGMC चुनाव के बाद कहीं भी नहीं दिखेंगे। सरदार सरना ने सिख जगत से आग्रह किया कि यदि हमारी गुरुद्वारा व्यवस्था और सिख पंथ को बचाना है तो बादलों को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, हमें अपने खोए वक्त को वापस लाना है। सभा में अकाली दल के नेता सुखदेव सिंह ढींडसा ने शालीनता से अपने वक्तव्य को रखते हुए बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पूर्व को जिस तरह से सिक्का जारी करके मनाया जा रहा है वे पहली बार है और काबिले तारीफ है। पहल की थी है, हालांकि कमेटियां अजे तक बहुत बन गई, सरकार ने बनाई है, मैं भी मैंबर हाँ, पर किसी ने हाले शुरुआत नहीं की थी। सब तो पहला शुरुआत श्रोमणी अकाली दल दिल्ली ने और सरना भरावान ने गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने श्रद्धा के फुल के। वहीं प्रोफेसर सुखप्रीत सिंह ने अपने संबोधन में श्री गुरु तेग बहादुर जी से जुड़े इतिहास को बताकर सभागार में मौजूद संगतों को भाव विभोर किया। गुरु साहब ने कहा गया कि जे तुसी इस्लाम कबूल कर लो ते असी सारा कश्मीर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बनारस सारा छड़ देने। और जिस वक्त गुरु साहब ने साफ कहा कि मैं अपना धर्म नहीं छड़ सकता।